अज पंजाब दे विच 18 साल तो 45 साल के लोगों नू वैक्सीन की शुरुआत कर दिती गई है। भारत सरकार वल्लों पंजाब नू 1 लाख दे करीब वैक्सीन डोज दिती गई है। अज इस मुहिम की शुरुआत मोहाली विखे पंजाब दे सेहत मंत्री श्री बलबीर सिद्धू जी ने की। इस मौके सरदार बलबीर सिद्धू ने कहा कि मोहाली विखे मेडिकल कॉलेज दे विच छेती ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। देखो अज जी सब तो बड़ी गल है कि अज जी अपनी वर्कफोर्स जिन्होंने आप कह दें जिदे 18 तो 45 साल का मैक्सिमम जी सा जनरेशन होंगी है अज उन्होंने जी वैक्सीन करने की शुरुआत की गई है। अज जी स्टार्टिंग है मोहाली तो इतों मैं उद्घाटन किया सानू कल 1 लाख डोज इस 18 तो 45 वास्ते मिले सके तो सारे डिस्ट्रिक्ट ने डिस्ट्रीब्यूट करता वो कैटागरी वाइज देखा जिते ज़्यादा अपने वर्कर है ज़्यादा सिख पापूलेशन है प्लस ज जिते ज़्यादा पॉजिटिविटी रही है उस एरिए असं पहला कुछ किया मुताबक अभी प्रोपोर्शनेटली उदा अज लाने शुरू किए हैं। अज मोहाली तो इतों शुरू किए 45 तो उपर के लोगों वक्रा चल रहा है डोज डोज सू जिनी को देंदे असं उन्नी लाई जाने लेकिन वो डोज की शॉर्टेज बहुत हैगी जेकर सू डोज मिल जाती है प्रोपर वे ना 2.5-3 लाख भी पर डे ला सकते हैं। हूँ थोड़ा जहाँ लोगों के इनकरेज भी है कि लोग थोड़ा अपने आप भी तैयार होने से डोज लाने वास्ते पहले शुरू शुरू वैक्सीन वास्ते कोई तैयार नहीं पर अज मैं कह सकता भी मोहाली साड़ा जो शहर है तो जिला है ये नंबर 1 से पूरे पंजाब है तो बाकी जिले जो इंटीरियर अभी मानसा बुलाडा या बरनला संगरूर जिते लोगों ने थोड़ा जहा रूमर फैला के कोशिश की गई ना उन्होंने सारा अवेयरनैस ड्राइव राही जागरूक किया जा रहा है ताकि जी बीमारी है यदा सब तो व्डा हल जो कोई है तो वैक्सीनेशन होना नहीं वैसे होना नहीं। सर ऑक्सीजन लैके की प्रबंध है देखो कल सारा ने अखबार पढ़े होने साढ़े को 125 टन की पर डे की जी गैप हैगा ऑक्सीजन सप्लाई का लेकिन कल सेंटर कॉलेज ने 300 मीट्रिक टन देने का वादा किया पर डे की तो जो 300 मीट्रिक टन दे देंगे तो साढ़ा जरा सैटिस्फैक्ट्री सारा काम चलेगा पर जिनी सा हूँ इस वे पॉजिटिविटी हैगी है ज पेशेंट है साढ़े लैवल 2 के या लैवल 3 के उन्होंने वास्ता जिन्हें अज जी क्वांटिटी है उस वास्ते ठीक है लेकिन जो कल वध जाता है तो यदि रिक्वायरमेंट हो सकती है। मोहाली के सर कोई स्पैशल प्लांट शुरू किया गया ऑक्सीजन देखो मोहाली के बच्चे है कि मोहाली से असं जो मेडिकल कॉलेज है वो असं प्लांट लावे लावे वो स्टार्ट होने तो पहले लावे वैसे मोहाली जी सप्लाई सूँ इतने 2-3 प्लांट है सूँ काफ़ी सफिशेंट मिली जाती है लेकिन फिर भी असं जी अपने जी मैनुफैक्चरिंग लाइन से खास करके स्टील प्लांट वगैरह से उन्होंने असी किया है कि वो अपने हम जो बंद रखन तो पहला लोगों जान बचाने जरूरी है। सर राजा बड़िंग वालों जी कहा गया कि सरकारी जो इलाज हो रहा प्राइवेट भी फ्री होना चाहिए है सरकार गंभीर है जी इस बारे की सोचा देखो गल इदा होंगी जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने उन्होंने ये कोई दो रहे नहीं आंध्रा दी टाइप से असी भी पैटर्न से असी भी एक सख्ती करा वो थोड़ी जी ओवरचार्जिंग या होर करते हैं जोड़े बंदे प्रोपर सर्विस भी नहीं देंगे तो चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते उन्हें खिलाफ़ कार्रवाई भी करनी बनती है पर लेकिन उन्होंने असं सारा बकायदा वार्निंग दी है कि तुम अपने लोगों को जो रेट सरकार ने तय किए हैं उही चार्ज करो ना कि फालतू करो। सर वैक्सीन को लेकर देखा जाए तो सिविल हस्पताल से वैक्सीन लग रही है पर उत्थे लोग है जो समाजिक दूरी की पालना नहीं कर रहे उसनूं लेकर देखो इदा है लोगों की उत्साह है लोगों के अंदर एक इस वे एक जागरूकता आ गई है तो वो मैक्सिमम लोग हूँ लैन लग रहे हैं तो देखना इतने भी काफ़ी गिनती है नाल एक होर कैंप चल रहा उत्थे भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है होर भी कई जगह के कैंप चल रहे हैं लेकिन ये लोगों मैं कहना चंगी सिग्नल हैगा पर असं इन सारा बाइफकट करके शहर के कई जगह पर जो कैंप चलावे ताकि उत्थे रश ना हो देखो मेरे सुनो सुनो ना मैं कोई गल कर रही सियासी तौर पर मैं वैक्सीन की गल कर रही मेरे गल कर सकते हो दूजी गल वैबल कला कांड की जी गल हैगी बकायदा सिट बन चुकी है
और सिट मैं पूरे मिले कि निर्धारित समा जो 6 महीने का ये उदो पहला यानी दो डेढ़ दो महीने ढाई महीने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी कोई चिंता वाली गल नहीं। कैबिनेट का हिस्सा सिद्धू साहब अंदरों भी आवाजा उठ रही ने जी चाहे राज अपनिंग तो अलावा होर भी कई बंद ने ये बारे बोलिया है हर बंद का आप अपने विचार लेंगे हर बंद फ्रीडम हैगी अपनी गल कह दी लेकिन जो सरकार इस वेल कर रही है जो सानू सिट बनी है वो सिट जल्दी अपना जवाब दूंगी बाकी जिन्हें कोई माड़े मोटे ग्रीवेंस है बजाय ओपनली बोलने की बजाय वो पार्टी पद्धर की गल्ला विचारनी चाहिए।